जय कटलर। प्रसिद्ध ओलंपिया जीतने के लिए आपको एक गंभीर प्रतिबद्धता बनानी होगी। इसे चार बार जीतने के लिए आपको कुछ और ही होना चाहिए। जय कटलर एक अमेरिकी पेशेवर बॉडी बिल्डर है जिन्होंने ऐसा किया है। वो फिटनेस उद्योग में एक ऊंचा कद रखते हैं, दुनिया में सबसे प्रभावशाली प्रतियोगिताओं में से एक अर्नॉल्ड क्लासिक, जिसमें जय कटलर को लगातार तीन वर्षों 2002, 2003 और 2004 के लिए ताज पहनाया गया था। ध्यान रखें, बहुत सी प्रतियोगिताओं में से केवल ये कुछ प्रतियोगिताएं हैं जिन्हें उन्होंने जीता था। वो बॉडी बिल्डिंग के खेल में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक है और कई लोगों के लिए एक प्रभाव के रूप में काम करते हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में अपने परिवार के कंक्रीट व्यवसाय में काम करना शुरू किया और वो तब तक खेल में सक्रिय नहीं थे जब तक कि वे हाई स्कूल में नहीं आए। पारिवारिक व्यवसाय में अच्छी रकम बनाने के अलावा उन्होंने शुरुआती उम्र में नैतिकता के महत्व को सीखा और उसका उपयोग अपनी सफलता के लिए किया। उन्होंने अपने आकार और गति के कारण हाई स्कूल में फुटबॉल में उत्कृष्टता हासिल की, लेकिन ये महसूस किया कि फुटबॉल उनका खेल नहीं है। उन्हें वजन उठाने का जुनून था और उसे देखकर प्यार करता था कि उसके शरीर ने वजन प्रशिक्षण को कैसे जवाब दिया। 18 साल की उम्र में जय कटलर ने वॉरसेस्टर मैरीलैंड में गोल्ड के जिम में प्रवेश किया और दुनिया में सबसे अच्छे बॉडी बिल्डर बनने का निर्णय लिया। कई प्रतियोगिताओं के बाद उन्होंने 1993 में किशोर नागरिकों में प्रवेश किया और उनके वजन के वर्ग को जीता। 1993 साल भी था कि जय ने आपराधिक न्याय की डिग्री के साथ स्नातक किया, लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग को ही अपना जुनून मानता था और उसके बजाय करियर का पीछा किया। 1996 में उन्होंने अपना प्रो कार्ड प्राप्त किया और आधुनिक बॉडी बिल्डिंग के पिता कहलाने वाले जो विल्डर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यही वो वर्ष था जो युवा जय कटलर के लिए अपनी जगह में सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया था और सब कुछ बेहतर होता जा रहा था। आज के लिए जय कटलर बॉडी बिल्डिंग में एक प्रख्यात विशेषज्ञ है और एक महान व्यवसायी व्यक्ति। अपने महान नैतिकता के कार्य के कारण उसने खेल व्यवसाय जीवन में वो सब कुछ हासिल किया था और वो हमेशा एक धरती से जुड़े व्यक्ति रहे जैसा कि वे हमेशा से ही थे। फिटनेस के उद्योग में ज्यादा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं जैसे कि जय कटलर। जय कटलर उदाहरण। अपने आप को उन लोगों के आसपास रखें जो आपकी तुलना में बड़े सपने रखते हैं। अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखें और तब तक ना रुकें जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते। स्व अनुशासन के बिना सफलता असंभव है। दुनिया में महान बॉडी बिल्डर की कहानी फिल हिट द गिफ्ट। फिल हिट एक पेशेवर बॉडी बिल्डर है और 2011 से 2017 तक उन्होंने लगातार 7 मिस्टर ओलंपिया जीते हैं। मूल रूप से 4 बार मिस्टर ओलंपिया जे कटलर द्वारा मेंटर्ड होने के बाद फिल हिट बॉडी बिल्डिंग पर हावी रहे हैं। हीट शीर्षक के लिए जे कटलर से सफल रहे और इसके बाद उन्होंने अपना ओलंपिया रिकॉर्ड तोड़ दिया। कॉलेज समाप्त हो जाने पर फिल हिट ने एक और एथलेटिक आउटलेट की तलाश की। उन्होंने इसे बॉडी बिल्डिंग में पाया। हीट ने 90 किलो वजन बढ़ाया और जल्द ही क्षेत्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं को जीतना शुरू कर दिया। फिल हिट की कहानी। फिल अपने कंधों पर एक महान सिर के साथ बड़ा हुआ जो कि आज की पीढ़ी में से कई का अभाव है, सामान्य ज्ञान है। उन्होंने अपनी माँ और स्टेप फादर से शुरुआती कड़ी मेहनत के मूल्य
और साथ ही साथ अन्य जीवन के पाठों को भी सीखा, जिसमें उन्होंने अपने करियर में हर कदम उठाया है। केवल 13 पुरुषों में से एक को सैंडर ट्रॉफी प्राप्त हुई। 12 हमेशा सबसे अच्छा होना चाहता था, चाहे वो खेल शिक्षाविदों और बॉडी बिल्डिंग में हो। उत्साह ने हमेशा मुझे धक्का दिया और मुझे ऐसा करने की अनुमति दी। मुझे लगता है कि मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ वो बहुत प्रतिस्पर्धी था। आप जानते हैं कि मैं हमेशा बास्केटबॉल से प्यार करता था। मैं स्कूल की बास्केटबॉल टीम में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मुझे तो स्कूल में स्नातक होना है और नौकरी की तलाश करनी है। मुझे एक नौकरी मिल भी गई, लेकिन मैं अब भी असली चीजों को खोज रहा था जो मैं करना चाहता था। और इस खोज में मैं कुछ बॉडी बिल्डर से मिला और यहाँ से सब कुछ मेरे लिए बदलना शुरू हो गया। मैं उन तगड़े लोगों के साथ बाहर रहने लगा, उनके साथ खाना खाया और उनके साथ बात की और उनसे बॉडी बिल्डिंग के बारे में सुना, और मैंने बॉडी बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया और वहां से इसकी शुरुआत हुई। जब मैंने बास्केटबॉल खेला था तो मैंने कोर्ट में अभ्यास पर घंटे बिताए थे। जब मैं बॉडी बिल्डर बन गया तो हर समय जिम में रहता था। सबसे शुरुआती में लोगों की तरह मैं वास्तव में नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं जितना ये करता रहा उतना ही मुझे इससे प्यार हो गया। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि मैं जिम एडिक्ट बन गया था। मेरे शरीर के बदलाव को देखते हुए मैं और ज्यादा वापस आने लगा। मुझे पार्टी में जाना पसंद था और क्लब में जाकर नए लोगों से मिलना पसंद था, और दूसरी तरफ जिम में मैं कड़ी मेहनत कर रहा था। यह अलग अनुभव था। आप वजन उठा रहे हैं और पार्टी भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे एक बॉडी बिल्डर मित्र की सलाह ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। मुझे बताया गया कि मैं एक साथ रॉकस्टार और एक बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, नहीं कभी नहीं, और मैंने उसकी सलाह को बहुत गंभीरता से लिया। सब कुछ जंक बंद कर दिया और जिम जाकर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जो निश्चित रूप से सब कुछ बदल गया। मुझे इसमें मदद मिली कि आज मैं क्या हूँ। कुछ भी हासिल करने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने पहली बार 4 अप्रैल 2003 में भाग लिया, जहां मैंने प्रतिस्पर्धा की, वहां पदक और पुरस्कार जीतना शुरू कर दिया। मैंने कोलोराडो स्टेट प्रतियोगिता में बैकस्टेज पर जेल कटलर से मुलाकात की। मैं एक तस्वीर लेने के लिए बहुत उत्साहित था, और तस्वीर के बाद मुझे जे ने पूछा, अरे क्या आप स्पॉन्सर्ड हैं? मैं डॉग गया। मैंने कहा, नहीं मैं स्पॉन्सर्ड नहीं था। जे कटलर एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने बिना पूछे कई बार मेरी मदद की। उन्होंने मुझसे अपनी तस्वीर भेजने के लिए कहा और मैंने उन्हें तस्वीर भेज दी। उन्होंने अपने सभी संपर्कों को आगे भेज दी। उस समय के दौरान मैं फिटनेस सेंटर में काम कर रहा था और मुझे इतने सारे स्पॉन्सर्ड से फोन आना शुरू हो गया था कि मुझे उसी दिन मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे सच में नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना था। मैं जब जूनियर नेशनल्स प्रतियोगिता से लौटा, जे ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा, हे फिल, कोई है जो आपको एक फोटो शूट करने के लिए चाहता है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। मैंने कई फोटो शूट, पूरा विज्ञापन, मैगजीन कवर के एड्स कर लिए थे। मैं दिल में जानता था कि मैं दुनिया को झटका दे दूंगा। मुझे पता था मेरे पास सभी सही उपकरण, सही बॉडी, सही जेनेटिक, महान शरीर और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए दृढ़ संकल्प था। मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए तथ्य यह है कि लोगों ने कहा कि मैं जेनेटिकली रूप से प्रतिभाशाली बॉडी बिल्डर प्रतिस्पर्धी था। वे मुझे द गिफ्ट के रूप में उपनाम देते हैं। आप जानते हैं, लोगों की उम्मीदों पर निर्भर रहना वास्तव में मुश्किल हो जाता है। वे अपना विश्वास रखते हैं, वे बहुत सारी उम्मीदों के साथ आते हैं, और आप जानते हैं कि कॉम्पिटिशन बहुत गंभीर हो रहा है और जीतने के लिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। बॉडी बिल्डिंग ने मुझे कई चीजें सिखाई, विनम्र होना, दूसरों की उपलब्धियों का सम्मान करना, हर किसी की कड़ी मेहनत और उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करना। बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए सिर्फ शरीर को बड़ा बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आप को स्वीकार करने और अपने शरीर को अगले स्तर तक धकेलने के बारे में है, जिसे आपने शायद सोचा नहीं था। यह आपके शरीर के साथ एक गंभीर रिश्ते में बने रहने की तरह है। बहुत से लोग कहेंगे कि मैं जेनेटिकली रूप से प्रतिभाशाली हूं और इसीलिए एक बेहतर शरीर का निर्माण करने में सक्षम हूं। ठीक है, आप देख रहे हैं, मैंने जिम में कड़ी मेहनत की और मैंने कई चीजों को जीवन में त्याग दिया। मैंने अपने आप से यह बताना शुरू कर दिया कि कड़ी मेहनत का कोई अंत नहीं है। मुझे अपनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपनी क्षमता का सबसे अच्छा प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अगर मैं असफल हो जाता हूँ तो मैं विफल रहता हूँ, क्योंकि मैंने इसे मेरी 100% प्रतिबद्धता नहीं दी थी। याद रखें, विश्वास करने के लिए कुछ भी संभव है। मुझे पता है कि जीवन कठिन हो सकता है, मुझे पता है कि जीवन आपको नीचे ले जा सकता है, लेकिन अगर आप खुद में विश्वास रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं,
और आपकी प्रतिबद्धता पर कायम रहते हैं तो आपको एक दिन जरूर परिणाम मिलेगा। अगर ये आसान था तो हर कोई महान होगा, लेकिन इसके लिए जो प्रतिबद्धता, फोकस और सीखने की इच्छा रखते हैं वे जरूर सफल होंगे। आपके द्वारा दिखाया जाने वाला रवैया आपका रिवॉर्ड होगा। मेरा प्रशिक्षण हमेशा ईमानदार और मेहनती है। मैं चिंतित नहीं हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं केवल उन्हीं चीजों को करता हूँ जो मेरे लिए काम करती है। मैं अपने प्रशंसकों के लिए बहुत आभारी हूँ। वे अद्भुत और हमेशा उत्साहजनक है। दुनिया भर के लोगों ने अपने चेहरे पर मुस्कान और दिल में विश्वास के साथ मुझे बधाई दी है। ये केवल इसलिए कि मैं जिम में या मंच पर क्या कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे इन फैंस के कारण मैं प्रतियोगिता के लिए हमेशा उत्साहित रहता हूँ और उनकी ऊर्जा मुझे थकान महसूस नहीं होने देती। ये उन लोगों से मिलना एक सम्मान और विशेष अधिकार है जो आप अपनी मूर्ति के रूप में देखते हैं। वे वास्तव में अपना वजन कम करते हैं और आपके कारण मांसपेशियों को प्राप्त करते हैं। मैं केवल उन्हें बता सकता हूँ कि मुझे आइडियल बनाने के लिए धन्यवाद। कई बार मिस्टर ओलंपिया जीतना एक छोटी सी बात नहीं है। शीर्ष पर पहुंचने के लिए और शीर्ष पर रहने के लिए विशेष प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यदि आप कुछ चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया है तो आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर कुछ अलग करना होगा। याद रखें, ट्रेन हार्ड, ट्रेन स्मार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताएंगे जो न केवल बॉडी बिल्डर था बल्कि अन्य सोशल मीडिया में भी महानता हासिल किए था। केविन लेवरोनी, एक अमेरिकन IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, एन एक्टर, ब्लॉगर एंड म्यूजिशियन है। वो मैरीलैंड मसल मशीन के रूप में जाना जाता है। अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान लेवरोनी ने 68 IFBB प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उन्होंने 23 प्रो शोज जीतकर IFBB प्रोफेशनल के रूप में सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड हासिल किया था। अब तक रोनी कॉलमैन ने 2004 में 26 जीत का नया रिकॉर्ड बनाया था। 2003 के बाद लेवरोनी ने किसी भी बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं किया था। हालांकि बॉडीबिल्डिंग की दुनिया में 13 साल के लिए दूर होने के बाद 7 मई 2016 को केविन लेवरोनी ने ऑफिशियली अपने मिस्टर ओलंपिया में वापसी की घोषणा की। उनकी घोषणा ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया और 2016 के मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता पर बहुत ध्यान आकर्षित किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उनके इंस्पिरेशनल बॉडीबिल्डिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे। लेवरोनी का जन्म 16 जुलाई को हुआ था। हालांकि वर्ष एक डिस्प्यूट है। हालांकि उनके जन्म और परवरिश बाल्टीमोर मैरीलैंड में हुआ था। वो एक परिवार में 6 सिबलिंग्स में से एक था, जिसे उनके अफ्रीकन अमेरिकन माँ और इटालियन अमेरिकन पिता ने परवरिश की थी। इन दोनों की कैंसर से मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के तुरंत बाद उसके कुछ अन्य करीबी रिश्तेदारों का भी कैंसर से ही मृत्यु हो गई और ट्रेजेडी से रिकवरी के लिए उनके लिए कठिन था। केविन ने इस ट्रेजेडी से बाहर आने के लिए बॉडीबिल्डिंग में ध्यान लगाया। वो अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे और परेशान थे कि उनके माता पिता की तरह वे उसी भाग्य का शिकार होंगे। इसलिए उन्होंने फिटनेस और स्वस्थ होने के लिए स्पेशल अटेंशन देने की सोची। अपने कजन को मिलिट्री से घर आने के बाद वो अपने कजन कंडीशन और शेप से प्रेरित था, इसलिए उन्होंने बॉडीबिल्डिंग और डाइट को अधिक सीरियसली लेना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने लोकल शोज में कम्पीट करना शुरू किया और जीतना शुरू कर दिया, जिससे उनका स्पोर्ट्स अच्छा हुआ। केविन के प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई जब वो 27 साल का था। पिछले 1991 में उन्होंने अपना पहला NPC फाइनल्स जीता। अगले वर्ष में वो ग्रैंड प्रिक्स जर्मनी जीतने में कामयाब रहे, ग्रैंड प्रिक्स इंग्लैंड में दूसरे स्थान पर रहे और नाइट ऑफ चैंपियंस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो 1992 में मिस्टर ओलंपिया में दूसरे स्थान पर था। तब एक दुर्घटना हुई। वो 600 पाउंड्स के साथ बेंच प्रेसिंग थे। उन्होंने अपने माइनर और मेजर पेक्टोरिस को पूरी तरह से फाड़ दिया। लेवरोनी ने अपने दोनों पेक्टोरिस मसल्स को दोबारा जोड़ने के लिए इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता हुई। चोट इतनी गंभीर थी कि उसे 2 सर्जरीज की आवश्यकता थी, जिनमें से एक 8 घंटे से भी ज्यादा तक चली। पहली सर्जरी में उनकी रिकवरी के दौरान उन्हें एक इन्फेक्शन की बात पता लगी। उन्हें वेटलिफ्टिंग से एक लंबे समय तक विश्राम लेना पड़ा।
लेकिन उस वर्ष अंत में ग्रैंड प्रिक्स फिनलैंड में दूसरे स्थान पर और 1993 में ग्रैंड प्रिक्स इन जर्मनी जीतकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इंजरी रिकवरी के बाद लेवरोनी ने कई प्रेस्टीजियस शोज जीतकर बॉडी बिल्डिंग में डोमिनेट किया। विशेष आमंत्रित द्वारा 2016 मिस्टर ओलंपिया सहित लेवरोनी ने 13 से अधिक मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। केविन ने कभी मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन्स में पहला स्थान नहीं जीता, जो उसे द अनक्राउंड किंग ऑफ मिस्टर ओलंपिया निकनेम प्राप्त हुआ। कॉम्पिटिशन्स के लिए तेजी से ट्रेन होने की उनकी क्षमता 2016 में उनके मिस्टर ओलंपिया में कमबैक का मुख्य कारण था। वो बॉडी बिल्डर्स के बीच में से एक हैं जिन्होंने सबसे अधिक प्रो शोज मेडल्स जीते हैं, लेकिन उन्होंने मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन्स में पहला स्थान कभी नहीं प्राप्त किया। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 23 ट्रॉफीज जीते और अपनी दूसरी और तीसरी प्लेसिंग्स की गिनती करते समय और अधिक पदक जीते। 2003 शोज और स्ट्रेंथ प्रो चैंपियनशिप के बाद उन्होंने कहा कि वो किसी भी कॉम्पिटिशन्स में कम्पीटिंग करना छोड़ रहा है। लेवरोनी ने अपनी रिटायरमेंट की ऑफिशियल तौर पर अनाउंस नहीं की। उन्होंने इस बारे में समझाया कि उन्होंने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा नहीं था और उन्होंने अन्य चैलेंजेस का पता लगा के कुछ अलग करने का फैसला किया। उन्हें टेनिस और गोल्फ खेलना पसंद है। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। उन्होंने 2016 के शुरुआती दिनों में एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जारी किया जिसका नाम teamlevrone.com था। 2015 में उन्होंने केविन लेवरोनी सिग्नेचर सीरीज नामक एक सप्लीमेंट लाइन जारी की। पिछले दो वर्षों में इन प्रोडक्ट्स को पूरे यूरोप में वितरित किया गया है और पॉपुलैरिटी प्राप्त हो रही है। आज वे दुनिया के कई देशों में पाए जा सकते हैं। क्लोथिंग लाइन केविन का लेटेस्ट वेंचर है जिसने विश्व के फैशन एक्सपर्ट्स का ध्यान आकर्षित किया। सोशल मीडिया पर लेवरोनी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई जब एक बार उन्होंने कमबैक की अनाउंसमेंट की, जिससे वो 2016 का सबसे पॉपुलर बॉडी बिल्डर बन गया। इस तथ्य के बावजूद वो 16th रैंक पर था और बहुत से सहमत थे कि उन्होंने ऐसा कुछ हासिल कर लिया था जो कोई भी हासिल नहीं कर चुका है। उन्होंने एक बार कहा था कि जब आप गिव अप नहीं करते तब तक आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, चाहे कितना भी समय लगेगा। जब मैंने लिफ्टिंग शुरू किया तो एक माइंडसेट के साथ जिम में गया था कि मैं कितना बेंच, क्यूरल, स्क्वैट और डेडलिफ्ट कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि भविष्य मुझे क्या देगा, लेकिन मैं जरूरत के लिए तैयार होना चाहता था। वो कुछ अमेरिकन IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स में से एक है जो पूरे यूरोप में निरंतर कॉम्पीट करते हैं, जहाँ उन्होंने कई परफॉर्मेंसेस के दौरान जीत हासिल की। आज केविन के पास दुनिया भर में लॉयल फैंस हैं और उन्होंने इस खेल में सम्मान प्राप्त किया है और हमारे दिल की एक विशेष जगह के हकदार हैं। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अर्नोल्ड स्विज़नेगर की जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे। एक महान व्यक्ति जिन्हें परिचय की कोई जरूरत नहीं है। अर्नोल्ड की कहानी सबसे प्रेरणादायक है और ये कहने का एक आदर्श उदाहरण है कि सपने हकीकत में बदल जाते हैं अगर आप उनके लिए सही काम करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कड़ी मेहनत के महत्व पर एक कहानी बताना चाहते हैं जो जीवन में कुछ भी हासिल करने में मदद करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 30 जुलाई 1947 को पैदा हुए अर्नोल्ड अलॉयज स्विज़नेगर गुस्ताव स्विज़नेगर और ऑरेलिया स्विज़नेगर के दूसरे सुपुत्र थे। अर्नोल्ड मूल रूप से ग्राज ऑस्ट्रिया से हैं, जहां उनके पिता लोकल पुलिस चीफ थे और वे चाहते थे कि अर्नोल्ड भी पुलिस फोर्स या मिलिट्री में शामिल हो, लेकिन वे सेना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो उनका सपना नहीं था। इसलिए उनके पिता हमेशा अर्नोल्ड के बड़े भाई मिनी हार्ड को प्राथमिकता देते थे। अर्नोल्ड के लिए बचपन एक दुःस्वप्न से कम नहीं था क्योंकि उनके पिता उन्हें शारीरिक प्रताड़ना देते थे।
जैसे उनके बालों को खींचना और बेल्ट से पिटाई करना। इन परिस्थितियों ने अर्नोल्ड को जल्द से जल्द ऑस्ट्रिया से बाहर जाने के लिए मजबूर किया और उनका ये उद्देश्य था कि वे अमीर होकर अपने जीवन में कुछ प्राप्त करें। अर्नोल्ड विद्यालय में एकेडमिकली एवरेज थे, लेकिन खेल में बहुत अच्छे थे और वो अपनी सॉकर टीम का हिस्सा थे। 1960 में जब युवा अर्नोल्ड ने अपने सॉकर कोच के मार्गदर्शन में एक सॉकर अभ्यास के हिस्से के रूप में पहली बार एक स्थानीय जिम में बारबेल उठाया था, तब अर्नोल्ड को जिम से प्यार हो गया और वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सॉकर छोड़ दिया और 14 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग को करियर के रूप में अपनाने का फैसला किया। वे बॉडी बिल्डिंग के लिए इतना समर्पित हो गए कि वीकेंड पर जब जिम बंद रहता था तो वो जिम जाने लगे ताकि वे ठीक से ट्रेनिंग कर सकें। अर्नोल्ड ने एक बार कहा था कि अगर मैं वर्कआउट छोड़ता तो बीमार बन जाता और अगली सुबह खुद को दर्पण में नहीं देख पाता। उन्होंने एक बार एक विशाल और महान बॉडी बिल्डर रिग पार्क का फोटो एक मैगजीन कवर पर देखा था। कवर फोटो को देखकर अर्नोल्ड इतने मोहित हो गए कि उन्होंने रिग पार्क की पूरी कहानी पढ़ी कि कैसे वो एक बॉडी बिल्डर बना और फिर एक अभिनेता में बदल गया। अर्नोल्ड ने भी फैसला कर लिया कि यदि रिग पार्क ऐसा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकता। अर्नोल्ड के जीवन में एक किक मोमेंट था जब वो जीवन को गंभीरता से लेने लगा और सर्वकालीन रूप से सबसे बड़ा और सबसे अमीर बॉडी बिल्डर बनने का मजबूत दृष्टिकोण रखने लगा। इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए अर्नोल्ड को पता था कि उनके अमेरिका जाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। सभी 18 वर्षियों के लिए ऑस्ट्रिया में सेना की सेवा करने की आवश्यकता होती है और स्विजनेगर ने भी ऐसा ही किया था। इसके साथ ही वे बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे और जूनियर मिस्टर यूरोप प्रतियोगिता जीती। 1966 में चार्ल्स बेनेट ने अर्नोल्ड के शरीर से प्रभावित होकर अपने लंदन के जिम में अर्नोल्ड को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। ये वास्तव में स्विजनेगर के लिए एक जिंदगी बदलने वाला अनुभव था। हार्डकोर ट्रेनिंग से गुजरने के बाद 1967 में अर्नी ने 20 साल की उम्र में अपनी पहली बार मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता, जिससे उन्हें उस खिताब का सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बनाया गया और ये 3 और जीत के लिए जारी रहा। इस समय के दौरान जो वेल्डर, जिनका अमेरिकी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा नाम था, उन्होंने अर्नी को देखा और अमेरिका आने के लिए कहा और गोल्ड जिम में ट्रेनिंग की पेशकश की। यह अर्नोल्ड के लिए एक और किक मोमेंट था। जैसा कि अमेरिका में आने का उनका सपना अंत में पूरा हुआ। रिक ग्रासिन और बिली ग्राहम जैसे पेशेवरों के साथ प्रशिक्षण लेते हुए अर्नोल्ड ने 23 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में अपना पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता था, जो कि आज भी रिकॉर्ड में है। इसके बाद स्विजनेगर वापस नहीं लौटे और उन्होंने 7 बार ये टाइटल जीता। ओलंपिया जीतने के बाद अर्नोल्ड ने एक अभिनेता बनने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उनके लिए रास्ता फिर से आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी विशाल काया और गैर अमेरिकी उच्चारण के कारण हमेशा भूमिकाओं के लिए खारिज कर दिया गया था। लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने पीछे जाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अभिनय ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और अपने उच्चारण को सुधारने के लिए काम किया। अंत में उन्होंने 1970 में हरक्यूलिस की भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उनकी काफी उल्लेखनीय बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म्स स्वॉर्ड एंड सॉकरी और 1982 में कॉनन द बारबेरियन थी। द टर्मिनेटर की बड़ी सफलता के बाद अर्नोल्ड उस समय हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो बन गए। अर्नोल्ड के लिए सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और अभिनय की दुनिया को जीतना ही मकसद नहीं था। फिर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 1990 से 1993 तक फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स पर प्रेसिडेंट्स काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई। अक्टूबर 7, 2003 को अर्नोल्ड को कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में 14 लाख से भी अधिक वोटों से चुना गया, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। ऐसा कहा जाता है कि अर्नोल्ड ने अपने गवर्नर के वेतन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कैलिफोर्निया की सेवा के साथ कोई वेतन नहीं लिया। फिर से 2006 में अर्नोल्ड ने कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में कुल वोटों के 56% से पुनः चुनाव में जीत हासिल की। रास्ते में कई अस्वीकृति और बाधाओं के बावजूद स्विजनेगर अपने जीवन में महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने में कामयाब रहे। अब भी वे लोगों को सार्वजनिक तौर पर प्रेरित करते हैं और दैनिक जीवन में फिटनेस के महत्व को जागृत करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, आप जीतने के लिए पैदा हुए, लेकिन एक विजेता होने के लिए आपको जीतने की योजना बनाने के साथ साथ जीतने की तैयारी करते रहना चाहिए और जीतने की उम्मीद
रखनी चाहिए। अर्नोल्ड सबसे बड़े और अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और हमेशा रहेंगे। वो कड़ी मेहनत के प्रतीक हैं। आज के इस वीडियो में हम रोनी कोलमैन पर बात करेंगे। रेकॉर्ड ब्रेकिंग शानदार एंड नाउ ही इज बिगर एंड मोर रिप्ड देन यू एवर सीन हिम बिफोर मिस्टर हर समय का सर्वोत्तम बॉडी बिल्डर शुरू और खत्म होता है। रोनाल्ड डीन कोलमैन के नाम पर इन्हें रोनी कोलमैन के रूप में भी जाना जाता है। वे एक अमेरिका समर्थक बॉडी बिल्डर और खेल के एक सच्चे प्रतीक हैं। वे 1964 में पैदा हुए। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के खेल में कई रिकॉर्ड रखे हैं। बिग रोन के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और हर समय के सबसे महान बॉडी बिल्डर के रूप में देखा जाता है। उन्हें जिम में एक पूर्ण बीस्ट के रूप में जाना जाता है और दुनिया भर में उन्हें उनके अच्छे दिल और मजाकिया स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। उनके द्वारा कहे गए ये बड़ी और लाइटवेट बेबी शब्द प्रसिद्ध हैं। कोलमैन ने ग्रैम्बलिंग स्टेट यूनिवर्सिटी में 1984 में एक बीएससी में अकाउंटिंग के साथ सर्वोच्च सम्मान से स्नातक किया। विश्वविद्यालय में उन्होंने अमेरिकी फुटबॉल भी खेला और स्नातक होने के बाद वे 1989 में अर्लिंगटन टेक्सास में एक पुलिस अधिकारी बन गए। उनके साथी अधिकारी गुस्ताव लांटा ने सुझाव दिया था कि वे मेट्रोफ्लक्स जिम में भाग लें, जो शौकिया बॉडीबिल्डर ब्रांड डॉक्सन का है। डॉक्सन ने कोलमैन को एक निशुल्क आजीवन सदस्यता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया अगर उन्होंने डॉक्सन को उस वर्ष की आगामी मिस्टर टेक्सास बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करने की अनुमति दी। वहां से कोलमैन ने कभी मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने खुद डॉक्सन को भी हराया। बॉडीबिल्डिंग प्रशिक्षण कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोलमैन नौकरी समझते हो, और इस मानसिकता के साथ प्रतिस्पर्धा की तैयारी के साथ जुड़े दबावों को सफलतापूर्वक संभाल करने की उनकी क्षमता प्राप्त हुई। जैसा कि उन्होंने अपने लिए एक नाम स्थापित करने के लिए धीरे धीरे सुधार करना शुरू किया, उन्होंने ये बात नहीं भूली कि वो कौन है और कहां से आए हैं और किसने उसे पहली जगह में एक पेशेवर बनाया। कोलमैन का स्थान बॉडीबिल्डिंग लोक कथाओं में पूर्ण प्रभुत्व के सबसे चौंकाने वाले प्रदर्शनों में से एक होगा जो हम कभी भी देखेंगे। अपना करियर के दौरान किंग रोनी ने 8 लगातार ओलंपिया खिताब, एक 2007 अर्नोल्ड क्लासिक खिताब और 36 समर्थक जीत हासिल करते हुए एक रिकॉर्ड बनाया है कि सभी संभावनाओं में वे समय की कसौटी पर खड़े होंगे। वे सबसे अधिक 8 श्री ओलंपिया को जीत चुके हैं, साथ ही ली हैनली भी। हालांकि रोनी ने जीत के 8 सीधे शीर्ष खिताब जीते। उन्होंने 26 शीर्षकों के साथ IFBB समर्थक में सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड भी हासिल किया। वो एक अपराजित बॉडीबिल्डर थे। 1998 में अपना पहला मिस्टर ओलंपिया खिताब जीतने के बाद वो एक पंक्ति में सीधे 8 गुना जीतने के लिए चले गए। रिकॉर्ड उनकी महानता को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, उनकी विरासत निश्चित रूप से है। 2003 के ओलंपिया प्रतियोगिता में उत्कृष्टता के लिए बार बढ़ाकर रोनी कोलमैन ने अकेले शरीर निर्माण में पुनः परिभाषा पेश की, जहां 287 पाउंड कोलमैन ने मंच पर कदम रखा और मंच पर एक नजर डालकर संभावनाओं की सीमा को तोड़ दिया, जिसे कई इतिहासकारों ने सबसे महानतम बताया था। प्रशिक्षण के दौरान कोलमैन अपने लचीलेपन और गति की सीमा को अधिकतम करने के लिए मशीनों की बजाय सादे वजन का उपयोग करना पसंद करते थे। हमेशा आत्मविश्वास से परिशिक्षित होते थे और प्रतियोगिता के बारे में कभी चिंता नहीं करते थे। वे सिर्फ प्रक्रिया को पसंद करते थे, हर समय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मेरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता हमेशा स्वयं है कि मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं किसी भी लड़के को साधारण कारण के लिए अपने प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कैसे देखेंगे, मैं केवल ये देख सकता हूँ कि मैं कैसे देखता हूँ। कोलमैन ने अपने जीवन के समुदाय के लिए एक मजबूत भावना का प्रदर्शन किया। एक बेटे, एक पिता और एक पति के रूप में उन्होंने अपने परिवार की देखभाल की और अक्सर अपने स्वयं के पहले दूसरों की जरूरतों को रखा है। एक शरीर सौष्ठव चैंपियन के रूप में वो अप्रतिम है। एक समर्थक बॉडी बिल्डर के रूप में बड़ी सफलता के बाद रोनी कोलमैन ने अपने करियर में कई उत्पाद के विज्ञापन और विभिन्न नए अवसरों का नेतृत्व किया है। रोनी ने हाल ही में रोनी कोलमैन सप्लीमेंट रेंज को जारी किया,
वो अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बॉडीबिल्डिंग और फिटनेस एक्सपोज के माध्यम से दुनिया का दौरा करते हैं। उन्हें एक साक्षात्कार में पूछा गया था कि क्या कोई ऐसे उदाहरण है जहां उन्हें दबाव महसूस रहा हो। जब आप किसी चीज को प्यार करते हैं जितना मैं बॉडीबिल्डिंग से प्यार करता हूँ, आपको अपने आप को पुश करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तब ये होता है कि आप कभी दबाव महसूस नहीं करेंगे। और हाँ, कुछ कठिन समय थे और जब वे आए, मैंने अपनी मानसिक ताकत का इस्तेमाल करके जान लिया कि मेरा मन सब कुछ नियंत्रित करता है। कड़ी मेहनत, दबाव की कमी, प्रक्रिया और विनम्रता के लिए प्यार एक विजेता नुस्खा है जिसने रोनी कॉलमैन को खेल के महानतम दिव्य चरित्र में से एक बना दिया। और यहाँ तक कि अब सेवानिवृत्ति में मंच पर कई वर्षों से राजा रोनी अभी भी सबसे लोकप्रिय चैंपियन रहे हैं। इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।